बाद मैंने फॉर्म सबमिट किया था। फॉर्म सबमिट करने के बाद मुझे बताया गया कि मेरिट लिस्ट निकलने के बाद ही पता चलेगा तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं। तो कल एक्चुअली मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला। उससे पहले जो हुआ ना, मेरिट लिस्ट निकला वो भी मुझे अपने फ्रेंड से पता चला। अब आप लोग बोल सकते हो कि तुझे हर चीज अपने फ्रेंड से ही मालूम पड़ती है, रिजल्ट भी अपने फ्रेंड से ही मालूम पड़ी और ये मेरिट लिस्ट भी तुझे अपने फ्रेंड से ही मालूम पड़ी। 3 जुलाई को मैंने जब फॉर्म सबमिट किया उसके बाद से हर दिन चेक कराए कॉलेज की वेबसाइट में जाके भी कहीं मेरिट लिस्ट निकल गया या नहीं, लेकिन कल ही मैंने चेक नहीं करा और कल ही मेरिट लिस्ट आया। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। हुआ ये, जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि मेरिट लिस्ट निकल चुका है तो चेक कर तेरे पास कोई भी मैसेज आया या फिर नहीं, तो मैं गई अपने मैसेज चेक करने, मेल चेक करने, लेकिन मेरे पास कोई भी मैसेज, कोई भी मेल, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कॉलेज में फोन किया और फोन करने के बाद मुझे पता चला कि जो लोग सिलेक्ट हुए उनके पास ही मैसेज गया और जो लोग नहीं हुए उनके पास गया ही नहीं। तब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, तो मैं ऑलमोस्ट रो देती, लेकिन तभी मम्मी ने कॉलेज में फोन किया और फोन करके जाना कि कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने पूछा कि अपना एप्लीकेशन नंबर देने को, तो मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर दिया। फिर उन्होंने चेक करा और चेक करने के बाद देखा कि नहीं, मेरा नाम है, लेकिन किसी वजह से मैसेज आया नहीं, इसका मतलब सिलेक्शन हो गया। तो अभी अपन कॉलेज के लिए निकल रहे हैं एडमिशन के लिए, तो लेट्स गो। अगस्त को मैं कॉलेज गई, जैसे कि आपने देखा ही है। वहाँ पे जाने के बाद मेरा सीरियल नंबर कुछ 53 था, पे आई थिंक 1 आवर से भी ज़्यादा वेट करने के बाद मेरा नंबर आया। फाइनली एडमिशन हो गया है मेरा, एंड आई हैव टेकन एडमिशन इन इक्फा यूनिवर्सिटी। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर मी। मैंने जो कोर्स लिया है उसके लिए आई थिंक दिस कॉलेज इज़ द बेस्ट, इसीलिए मैंने इक्फा कॉलेज ही चूज़ किया। वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं त्रिपुरा में, लेकिन फिर भी मुझे इक्फा कॉलेज बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने ये कॉलेज चूज किया है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। तो या तो मुझे आपसे एक बात कहनी थी, वो ये है कि मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था उसके बाद मैंने एक भी व्लॉग पब्लिक में जाके मैंने व्लॉग नहीं किया है, और उसका रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो पता नहीं आता ही नहीं है यार। मैं घर से सोच के जाती हूँ नहीं आज मुझे व्लॉग करना ही है, कैसे भी हालत में मुझे करना है, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में शायद मैं पब्लिक में व्लॉग करूं, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे लास्ट के जो 2 व्लॉग्स हैं मुझे ऐसा लगता है उनमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आने वाले व्लॉग्स को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाऊं, थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाऊं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूं। अभी तो धीरे धीरे सीख रही हूं कैसा कौन सा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं सीख रही हूं, वो भी यूट्यूब से ही। देखते हैं आने वाले व्लॉग्स कैसे बनते हैं, आई होप अच्छे बनेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है मेरे लिए, तो बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, और वो खास क्या है वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो, बाकी आपके ऊपर है। सो बाय।